अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन हांडी की रेसिपी तैयार कर रही हूँ, जो आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं और उसको आप घर बनाएं और इंजॉय करें। सबसे पहले मैंने ये 5 से 6 अदर टमाटर ले लिए, इनको मैंने दो दो पीसेस करके मैंने एक देगची में डाल दिया, हल्की आंच जला दी है इसके नीचे। ऊपर से अब इसको मैं ढक रही हूँ ताकि स्टीम के अंदर ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, और फिर मैं इनका छिलका रिमूव करके इनको ग्राइंड कर लूँगी। ढक दिया मैंने उनको, और दूसरे चूल्हे पर अब हम चिकन हांडी को बनाना शुरू करते हैं जी। मैंने कढ़ाई ले ली है, सबसे पहले इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। सॉरी, खोला मैंने उसको है नहीं। ऑयल चला गया, अब इसमें मैं चिकन को शामिल कर दूँगी। इसके लिए बोनलेस चिकन लिया है, क्योंकि हांडी जो है चिकन हांडी वो हमेशा बोनलेस चिकन की ही बनती है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून तक मैंने ऑयल डाल दिया, और सॉरी नमक डाल दिया इसमें। जी अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून तक। अब इसको हम अच्छी तरह से इस ऑयल में फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे हम। ये अदरक लहसुन को भी मैंने 1-2 मिनट पकाने के बाद, अब इसमें ये मैं टमाटो प्यूरी शामिल कर रही हूँ, जो मैंने टमाटर सॉफ्ट होने के लिए देगची में रखे थे उनका मैंने छिलका रिमूव करके उनको ग्राइंड कर लिया। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करते हैं। साथ ही इसमें मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको फ्राई करते हुए भी इसमें नमक ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 टीस्पून इसमें मैं 1.5 मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, और ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर से मैं ढक रही हूँ ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। आंच मैंने थोड़ी हल्की कर दी है जी। मैंने चिकन को पका लिया है थोड़ी देर, अब इसके अंदर मैं शामिल कर, अब मैंने आंच इसकी कर दी है बंद। अब इसमें ये देखें, 1/2 कप में इसमें 1/2 प्याली मैंने इसमें डाल दिया है जी दही, और 1/2 पैकेट जो क्रीम का बाज़ार से आप लेते हैं वो 1/2 पैकेट मतलब 1/2 कप ही मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और चूल्हा इसका फिर से जला लेते हैं। बस इन चीज़ों को भी अब अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छा सा बन जाए। इस स्टेज पे इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ। जी चिकन हांडी हमारी हो चुकी है तैयार। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और कटी हुई अदरक। इन सबको भी मिक्स करते हैं, और आंच में कर रही हूँ बंद। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। आंच बंद हो गई है, देखें मैंने एक मिट्टी की छोटी सी हांडी ली है, इसमें मैं इसको निकालूंगी जी। मज़ेदार सी हमारी चिकन हांडी हो चुकी है तैयार
जी मज़ेदार सी हमारी चिकन हांडी हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।